जैसे ही मैंने बैग पहन लिया ये सब भी वहाँ पे निकल गए। ओफ आईचा गावात अपना ग्लव शेड। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। कल अपन इतना घूमे कि अपने बाइक का पेट्रोल हो गया डाउन। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट अपने को डालना है सबसे पहले तो पेट्रोल। बजे है 9:50 सॉरी 10:50 नहीं 9:50 वाला 9:50 सॉरी। अरे वाह यहाँ पे पेट्रोल का भाव कम है। फुल कर दो। तो अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। अपने को यहाँ पे जाने का है तो चलो चलो चलो। केल्लापुर 52 किलोमीटर। पहले वापस तो जाने के अपने को। सर येल्लापुर थैंक यू। शिवापुरा हैंगिंग ब्रिज ये राइट हो सकता है क्या? लोकल एड्स को पूछना पड़ेगा भाई। शिवापुरा हैंगिंग ब्रिज पहला लेफ्ट तो अभी एक्चुअली अपने को जाना पड़ेगा पीछे बिकॉज अपन थोड़ा सा लकीली अपन ज़्यादा आगे नहीं है। 1 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा अपने को फिर वहाँ से अपने को लेना पड़ेगा लेफ्ट। तो चलो पीछे यही लेफ्ट होगा मुझे लग रहा है। No, I don't have pen. You can speak in English. Okay. Turn left now from here. Okay, so I need to take left. Then go straight. For 12 kilometers. Delhi, 6 kilometers. Okay, I have to take left and then 6 kilometers straight. Yeah, that village name is Dehali. Dehali, okay. Then you ask there. Okay. From there, I need to take this left now. No, you just take left. Okay. Straight and then left. 6 kilometers. Okay. Then after you will get Dehali. Okay, fine. Then they ask in Dehali name properly. Okay, fine. Yeah, thank you so much. थोड़ा लैंग्वेज बैरियर हो जाता है रे बाबा। लेफ्ट लेने का है ही अपने को यहाँ से। अच्छा वो अपन ने पूछ लिया। 11:54 चलो क्या रास्ता है ये पूरा रास्ता ऐसा ही है। लकीली ये मिल गए अपने को और बता दिया। अच्छा शिवापुरा ब्रिज पातोड़ी 19 है डिपार्टमेंट ये। हाँ यही रास्ते पे अपने को जाने का। चलो ओके यहाँ से अभी लेफ्ट जाएंगे सातोड़ी फॉल्स यहाँ से जाएंगे हैंगिंग ब्रिज। ओके चलेगा भाई थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अपने को राइट जाना है। अच्छे थे यार बहुत अच्छे थे।
ओ हो भाई साहब, यही तो ब्रिज था सातोड़ी का जिसके लिए हम आए थे। हाँ, एक्चुअली अब ये राइड कैसा हुआ पता है? अभी तक दांडेली टू येल्लापुर हाईवे एक राइड हो गया, एंड देन येल्लापुर से जो अपन ने राइड लिया ये ब्रिज के लिए वो एक राइड हो गया, बिकॉज 20 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग यार, 20 किलो। ये जगह तो बहुत ही अच्छी और शांत है, बट लेकिन मुझे एक शौक लग गया है, मुझे यहाँ पे कोई भी क्यू नहीं है, मतलब इतनी अच्छी जगह है। एक्चुअली मेरा टाइमिंग गलत हो सकता है इसलिए, बट लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड थे कुछ लोग तो रहेंगे, बस एक ही कुछ थोड़े से लोग आए हुए हैं बस उतना ही, वरना बाकी मैं यहाँ पे अकेला ही होता था। बैग आ गया, फिर उसके बाद में ये बैग भी आ गया, एंड देन तू भी आ जा मेरे शेर। हाँ, तो अभी मैं पहुंचा हूँ हैंगिंग ब्रिज पे। बाप रे, इतनी ऑफ रोडिंग होगी, बट ठीक है यार, ये ब्रिज के लिए हम वो कर लेंगे ऑफ रोडिंग। फिर उसके बाद में एक्चुअली मेरा बाइक अभी वापस सामने पार्कड है, यहाँ पे मैं ऐसे ही वॉक करते करते पूरा एक बार आ गया। एक्चुअली मैंने सोचा मैं मेरा बाइक लेके ये ब्रिज से आ जाऊँ, बट लेकिन अपन ने फैंटम बनना है नहीं, अपने को आगे भी और जाना है, तो फैंटम गिरी अपन ने करनी है नहीं। तो यार ये ब्रिज को तो देखो यार, शिवापुरा का हैंगिंग ब्रिज है ना, एकदम बाप वाली जगह। क्या है यार ये जगह, क्या बनाई गई है। तो चलो, अभी आपका टाइम आ गया है कपड़े चेंज करने का, वापस से ये पहनने का आपका टाइम आ गया है। अरे बाप रे, मैं भूल गया लैपटॉप पे बैग में, देख लिया हैंगिंग ब्रिज, बाप व्यू, अति बाप व्यू। तो चलो बाय बाय, मिलेंगे कभी फिर से अपन, चांस मिले तो आना मुंबई। चलो, ओ, तो वहां से अपन नीचे आ गए, एंड नीचे से दिखता है अपना हैंगिंग ब्रिज कुछ ऐसे। मैं पूरा वॉक करके गया यार वहां पे, बहुत ही मस्त है, मजा आ गया वॉक करके वहां पे। बोला आसिफ अभी वहां पे थे, ये कैसे मिस कर दे यार, तो ये भी देख के, ये भी देख लिया। अभी यहां से अपन निकलते हैं ना, चल यार खुद से चलना यार तू, कभी तो हर बार तुझे मैं ही चलाऊं, कभी तू खुद से चल और मुझे लेके चल नेक्स्ट स्पॉट पे। अरे तू क्यों बंद हो गया, गुस्सा आ गया तुझे। चलो बाय बाय, अभी अपना अगला स्पॉट जो है वो है सातोड़ी फॉल्स, यहाँ से और 5 किलोमीटर है बस यार। आई होप यार रास्ता वैसा ना हो प्लीज। हाँ एक ही गाड़ी है, एंट्रेंस पार्किंग टोटल बिल। अभी यहाँ पे मेन रोड जाने के लिए कैसा, कहाँ से आया? वही अपना जो आया था येल्लापुर से राइट लिया मैंने। हाँ, सेम रोड, सेम रोड पूरा एक ही रोड है। अरे बाप रे, रोड बहुत मस्त है वो, दूसरी रोड नहीं। हाँ वो एक ही रोड है ना, चलिएगा। चलो थैंक यू। ओह शिट, आवाज सुनाई दे रही है, डोंट नो कैमरा को सुनाई दे रही होगी नहीं दे रही होगी, बट लेकिन मुझे यहाँ तक आवाज सुनाई दे रहा है, एंड सामने शायद से वाटरफॉल भी दिख रहा है। हो भाई साहब, मेरे सामने तो देखो क्या है,
ओ माय गॉड, क्या सुंदर है यार ये, क्या सुंदर है, लाजवाब, बेमिसाल। हो जी भर के इसे देख ले यार पहले तो। अभी पानी थोड़ा कम हो गया है बट लेकिन जब बारिश होती होगी तब कितना पानी होगा यार यहाँ पे। तो अपन ये पत्थर पे रुक जाते हैं, बड़ा पत्थर है, अच्छा अपने लिए बहुत अच्छा है। ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा मैं बिकॉज मेरे साथ मेरा लैपटॉप भी है, हेलमेट भी है, DSLR भी है, तो यहीं पे रुक जाते हैं यार अपन अभी। मेरा तो प्लान था मैं यहाँ पे सिर्फ आऊँगा, 3-4 फोटो खींचूँगा एंड निकल जाऊँगा आगे, बट लेकिन यहाँ पे अभी पिछले 10 मिनट हो गए मैं यहाँ पे ही रुका हूँ, बस अपना एक स्पॉट बना लिया एंड अपन यहाँ पे रुक गए। आगे जा सकता था मैं बट लेकिन मेरे साथ है बैग, बहुत सारे बैग है, 2 बैग है, लेके ये रॉक क्लाइम करना बोला अपने को रिस्क लेने का ही नहीं है। तो ये तरफ भी कुछ दिखता है, सारे माँ कसम बंदर है आगे यहाँ पे। तो ये तरफ दिखता है कुछ ऐसा एकदम पहाड़िया, वहाँ पे सामने वहाँ पे हनीकॉम्ब है, आई डोंट नो दिखेगा नहीं दिखेगा बट बर्थ है जगह यहाँ पे, है ना, बर्थ है बर्थ। मेरा यहाँ पे सब पसारा देख के, बैग एंड ऑल देख के, ये सारे यहाँ पे भागते हुए आ गए। जैसे ही मैंने बैग पहन लिया ये सब भी वापस निकल गए। ओ आईचा गावत अपना ग्लव, शिट, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, शिट मेरा ग्लव्स बह गया, वो भी लेफ्ट राइट हैंड का ही गया यार, शिट। मुझे पानी वाली जगहों से बहुत खतरा है, मुझे निकलना पड़ेगा अभी यहाँ से। तो चलो बाय बाय। So show must go on. तो अभी यहाँ से अपन निकलना पड़ेगा, अपने को यहाँ से तो अभी निकलना पड़ेगा। एक बात मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर लद्दाख जाने का प्लान है तो उसके पहले एक बार ये जगह पे ज़रूर आ जाना, ये दोनों स्पॉट्स कर लेना तो आपका लद्दाख जाने का जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगा, बिकॉज सामने कम से कम 20 किलोमीटर रोड फिर से अपने को ऑफ रोडिंग करना है। चलो तो अब अपन मिलते हैं डायरेक्टली मेन रोड पर, 3, 2 एंड 1। अपन मेन रोड पे फाइनली पहुंच गए, इतनी खुशी मेन रोड पे आने की, ओ माय गॉड। सबसे पहले तो सामने हवा भरते हैं टायर में, टायर को देखते हैं टायर का हाल क्या है। भाई हवा डाल दो ना, चल भाई, थैंक यू थैंक यू। गोकर्णा, याना, मुरुद्रेश्वरा, बुद्धेश्वरा, कुमता, गोकर्णा। तो अभी अपने को सिर्फ कुमता बीच के लिए लेफ्ट लेना है एंड देन अपन अपने कुमता बीच पे पहुंच जाएंगे। अभी मस्त सनसेट हुआ वहाँ से, ऊपर से अपन ने देखा एंड अनफॉर्चुनेटली गोप्रो ने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, बैटरी निकाल के फिर से स्टार्ट करना पड़ा, फिर जाके हुआ है।
तो अभी अपन एंट्री मार चुके हैं कुमटा के मार्केट में एंड अपने को लगी है बहुत भूख। एक्चुअली अभी मैं ना बहुत कंफ्यूज हो गया था कि कहाँ पे रुकूं, मुरुदेश्वर की गो करना, बट लकीली मुझे ये भाई मिल गए, थैंक यू सो मच, इन्होंने पूरा रूम अरेंज करके दे दिया, थैंक यू सो मच सब, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। चलो भाई थैंक यू सो मच बाय। पक्का कॉल करूँगा मैं, चलो हाँ भाई, श्योर पक्का श्योर, थैंक यू सो मच बाय, गुड नाइट। बहुत ही सही यार, बहुत ही सही। मुझे भी थोड़ी थोड़ी कन्नड़ आती है नीर, अन्ना नीर, मुझे भी थोड़ा थोड़ा आता है कन्नड़। तो अपने ब्रेक पैड की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, एकदम ही पूरा टकला हो गया था, देखो।